उपमंडल भोरंज के न्यू इरा पब्लिक स्कूल परोल में 15वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बीसीसीआई अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वर्ष भर विभिन्न उपलब्धियों में अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। स्कूल के एडीएम प्रेम सिंह ठाकुर व स्कूल स्टाफ ने मुख्य अतिथि के स्कूल पहुँचने पर स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य ने स्कूल की उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट मुख्य अतिथि के समक्ष पढ़ी। वहीं अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्राइवेट स्कूल भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों और उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तरह देवभूमि हिमाचल में भी नशे का कारोबार बढ़ रहा है। यहाँ के युवा भी नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बाल्यकाल से ही बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके लिए अध्यापकों व अभिभावकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चों को इस तरह की बुरी आदतों से दूर रखें। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। आज हमारे समाज में अनेक चुनौतियाँ हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। आईटी युग में रोजगार की कमी आई है। इसलिए बच्चों को आज ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो बच्चों का पूर्ण विकास करे। सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। न्यू इरा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और शिक्षा में दोनों में दी है। और जिस तरह से स्कूल ने अच्छा काम पिछले कई वर्षों में दिया है, समाज की भलाई के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मेरा आज की युवा पीढ़ी से केवल इतना ही निवेदन है कि आने वाला समय चुनौतियों भरा है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, स्किल्स प्राप्त करें और देश के निर्माण में अपना योगदान दें और लगातार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आज की युवा पीढ़ी को बड़ा योगदान देना होगा। अच्छी शिक्षा के आधार पर हम देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। शिक्षित समाज होगा तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हम खड़ी कर पाएंगे और भारत को विश्वगुरु बना पाएंगे। अच्छा सर, कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर बनाना था सर, वो उसका क्या हुआ, क्यों नहीं बन पाया कंगना रनावत? देखिए, बहुत सारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है और किसी का सहयोग अगर हिमाचल प्रदेश के लिए और विकास के लिए उत्थान के लिए हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। ना जाने कौन सी राजनीति किसी बड़े उम्दा कलाकार के हिमाचल के साथ जुड़ने पर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति अपना योगदान देने के लिए तैयार हो तो उसकी सेवाएँ लेनी चाहिए और अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए। वहीं इस दौरान बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्यारेलाल शर्मा, देशराज, जिला परिषद सदस्य भोरंज पवन कुमार, राष्ट्रीय युवा मोर्चा सचिव एवं भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री, जिला भाजपा महामंत्री अजय ठाकुर, दलवीर ठाकुर आदि मौजूद रहे। के चैनल के लिए भोरंज से रमित की रिपोर्ट।